अरे कहाँ रह गया था? मूवी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी चल। मेट्रो अरे वो गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा बिजी था। से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। क्या मेट्रो? हुआ? चुप, अरे पहले बता था डैडी मूवी देखने जाने। तुम सबने इनको तो देखा ही होगा। नहीं देखा तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम। मुझे भी दोस्त दुनिया का पता। ये मैडम वही है जिसने दिल्ली मेट्रो के नजारे बदल दिए थे। मैडम अपने शरीर पर कपड़े, कुछ कपड़ों पर अपना शरीर ओढ़कर आई थी। फिर क्या था, हॉट टॉपिक बन गया। आधे लोगों की ये सोच के फट रही थी मेट्रो में कि कोई कुछ बोले तो बचा कुचा भी एक्सपोज ना हो जाए। मामला इतना गर्म था कि न्यूज में आ गया एंड वो अलग ही सीन चल रहा है। काफी स्टाइलिश लग रही है आप, कॉस्ट्यूम आल्सो आई एम श्योर कि आपने ही डिजाइन किया होगा ये। ऑफ कोर्स। मैडम को कोई सार्केज्म समझाओ। डीएमआरसी वालों को ये दिख रहा है कि हाँ उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। पहले तो विदाउट कंसेंट वो वीडियो बनी है। अच्छा, एक तो उन्होंने शूट किया मेट्रो में और वो भी बिना पूछे शूट किया। अबे ओ, प्ले बटन छोड़ मेरा। तू वीडियो कैसे बना रहा है मेरी? तू मेरा प्ले बटन क्यों ले? कंसेंट लिया। अरे तुम मेरा प्ले बटन कंसेंट लिया बहन? ये कंसेंट वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट। इन मैडम को एक्ट्रेस बनना है, ये मैं नहीं कह रहा। आई वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट फॉर द पास्ट 1 ईयर। तो कम्प्लीट हो चुका है आपका कोर्स एक्टिंग का? जी। लेकिन उससे पहले ही आप काफी वायरल हो चुकी है, बहुत फेमस हो चुकी है। मेरे को ये सुनकर सीधा समझ आ गया दैट शी इज अ वन्नाबी उर्फी जावेद। वो मैडम अलग ही लेवल पे है। व्हाट डू यू थिंक, लाइक अच्छा लगता है उर्फी से कंपेयर होना, नहीं लगता है, क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई ये समझाओ कि व्हाई डू हैव टू एक्सपोज, सॉरी एक्सपोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू रीच हाइट्स। एंड मैडम से पूछा जाता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है तो कहती है नहीं नहीं। नाइस, चल देता हूं मैं भी नंगा होके रोड पे, जो होगा देखा जाएगा। ये मेट्रो का इंसिडेंट वायरल होने के बाद मैडम ने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की थी। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखी है अपनी? Whatever I am 1000 times better than you. किसने आपको कुछ बोला बताओ? अब शक्ल की बात मैडम ने खुद शुरू की है तो I can't believe इतना मेकअप लगाने के बाद भी। हाँ? जितना ध्यान मैडम ने अपने फेस के मेकअप पे दिया है, काश नीचे भी दिया होता। क्या करता है रे तेरी तो? इतना? It's her choice. ओ। यही काम कोई लड़का करता ना तो उसकी धजियां उड़ जाती। ये तो हो चुका है। इंटरनेट पर तो लोग अलग ही नशे में हैं। कुछ इनको सुना रहे हैं, कुछ इनके फेवर में है, एंड कुछ ऐसे जिनका ओपिनियन मुझे पर्सनली सही लगा। तुम्हारा फ्रीडम है, तुम्हें जो पहनना है पहने, जैसे मर्जी घूमो, नंगे होके घूमो, बट पब्लिकली नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रीडम तुम्हें इस चीज से नहीं रोक रही कि तुम्हें क्या पहनना है, एंड मैं इस चीज पर जज भी नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर तुम ऐसे घूमोगे तो आधे लोग तुम्हारी ओर देख ही नहीं पाएंगे और आधे सिर्फ तुम्हारी ओर देखेंगे। मैंने देखा है कि लड़कियां स्कर्ट्स के नीचे शॉर्ट्स भी पहनती हैं, बट इन्होंने स्कर्ट का शॉर्ट्स भी नहीं पहनी थी। एक मिनट, तूने कब देखा कि लड़कियां? राम जादू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग अपना प्यार दिखाते हो और चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं। एंड ट्रस्ट मी, एक यूट्यूबर के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता और वीडियोस बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पर मेरे 100 के होने वाले हैं, मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूं वहां पर, एंड मेरे गेमिंग चैनल पर भी होने वाले 100 के। ये वीडियो पब्लिक करनी है, मेरे को कब से डाल रखी है यार, तगड़ी वीडियो, तो जल्दी से कराओ 100 के। डिस्कॉर्ड पे भी मेरे 100 के। चल क्या रहा है, हर जगह मेरे होने वाले, कराओ प्लीज। लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड इट, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, हु आर यू, देखो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम जानते हो ना। टेक केयर, बाय, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, एंड ऑलवेज रिमेम्बर आई लव यू। ओके।